No. No. No! To digital payments. अब आप सोच रहे होंगे रॉबिनहुड को गुस्सा क्यों आता है, 5 फुट 6 इंच मुस्कुराता भी है ना? तो फेसबुक पे और यूट्यूब पे पिछले 4.5 साल से खूब रंग दिखाए मैंने, लेकिन आज आपको इन डिजिटल पेमेंट्स का स्यापा भी दिखाएगा रॉबिनहुड। मेरे साथ ये भाई साहब है, आप ये बताइए जी, आप क्या बता रहे थे मुझे अभी थोड़ी देर पहले? असल में मैंने अभी आपको जो बात बताई थी कि फोन पे वगैरह जो इस तरह की जो डिजिटल पेमेंट का सिस्टम है ये बिल्कुल ही बेकार है। वजह क्या है कि वो लोग पैसे के सिर्फ आपकी चोरी कर रहे हैं, घुमा फिरा के आपको इस तरीके से समझाते हैं कि ताकि आपका पैसा ही चला जाए पूरा। अब मैंने जो है जब लगाया फ़ोन पे कि भाई चलो भाई मुझे लोगों को फैसिलिटी मिलेगी, लोगों को आराम मिलेगा, लोग पेमेंट नहीं रखते हैं, चलो भाई ठीक है। होता क्या है कि मेरा इस तरह करके 5-6 ट्रांजेक्शन हुए, पहले 680 रुपये के, मैंने जब उसको अपने अकाउंट में चेक किया तो पता चला कि वो नील है वहाँ पे, वो पेमेंट वहाँ नहीं पहुँच रहा लेकिन शो कर रहा है बराबर। फिर मैंने अभी कल की बात है कि कुछ 800 रुपये का पेमेंट गया मेरा, वो पेमेंट मेरा अब जो गया है पता चला 800 रुपये उन्होंने काट दिए। अब काहे में काटे हैं, किस में काटे हैं ये बताने को तैयार नहीं। अब उनको जब कंप्लेंट डाल रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, वो बोल रहे भाई आप देख लो आपका कैसा कुछ होगा वो आप समझ लो। तो जो कंप्लेंट वाले क्या वो घास चरने गए हैं या नाली की गैस के पकौड़े खाने गए हैं? ना वो तो मेरे हिसाब से तो वो तेल लेने गए हैं और वो कुल मिला के वही तेल घुमा के ला के हम लोगों को लगा देते हैं। खाली उनको चिपकाना है कि भाई आप कैसा भी करके इस चीज़ को आप चिपकाओ, ताकि कैसा भी करके ये चीज़ हो जाए कि भाई डिजिटल के नाम पर केवल वो आपको पेल रहे हैं, बोले तो मेरे शब्दों में बोला जाए तो पेल रहे हैं वो। और मुझे ये चीज़ ना पहले समझ में आती थी ना आप समझ में आती है। पहले मैं ये मानता था कि चलो भाई हो सकता दौर बदल रहा है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता था। फिर मुझे लगा कि चलो भाई ठीक है दौर बदल रहा तुम नहीं बदलो, मैंने वो भी ट्राई मारा तो 2 बार गुल्ली लग गया मेरे, एक्चुअल में मेरे 2 बार नुकसान हुआ। अब मैं आपको रियल बताऊँ ना, मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। ये मेरी चप्पल है, देखिए इसमें आपको होल दिख रहा होगा। मैं 100 रुपये की चप्पल भी खरीदता हूँ तो बहुत सोच समझ के खरीदता हूँ। जब मैं 100 रुपये की अपने लिए चप्पल नहीं खरीदता बिना सोचे हुए, अब समझिए मेरे 1,200-1,300 रुपये चले गए, मुझे कितना बुरा लगा होगा अंदर से। अब आप इससे मेरा अंदाज़ा लगा ली कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। यह है रियलिटी कि अच्छे के नाम पे केवल बुरा ही बुरा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं लेकिन सब मेरे हिसाब से बेकार की बातें हैं, इससे ज़्यादा आप क्या बोलूँ। अच्छा बोल रहे हो तो अच्छा करके दो, अच्छा बना के दो। लोग बोलते ये होगा वो होगा, मुझे तो आज तक कुछ मिला नहीं, सो मैं तो यही बात बोलूंगा और यही मेरी बात जो है सही है। जो नई पीढ़ी है, जो 15 से 25 साल के लौंडे लौंडिया है, कुछ 25 से 35 साल के लौंडे लौंडिया है, जो खासकर ये आजकल सारा दिन व्हाट्सएप में बैठे रहते हैं, इंटरनेट पेमेंट में, ऑनलाइन शॉपिंग में बैठे रहते हैं, इनको कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या है कि मेरे भी बच्चे उसी में आते हैं ना। असल में ऐसा नहीं कि मैं दूसरों को बच्चों को देख रहा हूँ, वो तो दिख ही रहे हैं मुझे, मगर मुझे खासकर क्या अपने बच्चे दिख रहे हैं। मैंने क्या देखा कि मेरे बच्चों से कोई काम बोलो तो वो लगे हुए चैटिंग में, उसमें बातचीत में कर रहे हैं, फ्रेंडशिप में उसमें जा रहे हैं, फला फला काम कर रहे हैं। और इस दुनिया में इस टाइम जितना भी बुराई लगभग फैल रही है वो इसी की वजह से फैल रही है, क्योंकि नेट एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को सहूलियत के नाम पर सिर्फ गुमराह कर रहा है। ये हकीकत है कि नेट टोटल लोगों को नेट वाट लॉस लगा रहा है, वो टोटली लॉस लगा रहा है। क्यों? बच्चे बिजी है बहुत ज़्यादा, अब आपने काम बोला तो साहब उनको फुर्सत नहीं है। ऐसा लगता है कि बिजनेस हम लोग या कोई काम धंधा हम लोग नहीं करते, उनके बिहेवियर से लगता है कि ये काम एक्चुअल में सारे मेरे बच्चे कर रहे हैं। ये हकीकत आम प्रेस पर आज मैं दिखाता हूँ, कल को कोई और दिखाएगा, लेकिन सच बोलते थे, सच बोलते हैं और सच बोलते हुए ही जाऊंगा। बिल्कुल सही। 5 फुट 6 इंच रॉबिनहुड, 56 इंच नहीं है ये, कद है 5 फुट 6 इंच। उतनी ही जमीन ढूंढ रहा हूं कोरोना में या कोरोना के बाद दफन होने के लिए। कहते हैं कोरोना में जिस तरह से कर्नाटक में बॉडी बैग्स में मैंने वीडियोस देखे हैं, तो मैंने कहा यार मैं अपनी जमीन ना पहले खुद ही ढूंढ आता हूँ। जय जनता, ठोको शेर।